हेलो गाइस, मैं नेहा स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग। आज हम ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने बाबू के खाने से। देखिए वो कैसे कार्टून देख देख के खाना खा रहा है। उसको जब तक कार्टून नहीं मिलता देखने को, खाना नहीं खाता। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और आज हम आए हुए हैं अपने उपवन में। इसे हम अपने घर का उपवन बोलते हैं। यहाँ पे कितनी हरियाली है और यहाँ सुंदर सुंदर हवा भी चलती है। यहीं पे खड़े होके हम लोग हवा का आनंद लेते हैं, क्योंकि घर से निकलना तो हो नहीं पाता। बाहर कोई ना कोई बैठा रहता है, तो ऐसे आ जाते हैं एक आध बार हवा लेने के लिए। ये देखिए गाइस, ये है बाग बगीचे मेरे घर के। आम तो सारे टूट चुके हैं, गिर गए हैं शायद, लेकिन इस टाइम में आप कटहल देख सकते हैं। ये देखिए कटहल फड़े हैं, पेड़ में लगे हुए हैं। और एक कटहल है, आपको हम दिखाते हैं। ये इसको लोग बोलते हैं कि ये इसकी सब्जी अच्छी नहीं होती है। जब ये पकता है, पकने के बाद बहुत मीठा होता है ये वाला कटहल। और इसकी तो सब्जी, अचार वगैरह सब कुछ बनाया जाता है। ये कटहल तो इसमें से लगभग लगभग टूट चुके हैं, बस कुछ ही बाकी हैं। और गाइस ये देखिए, ये है मेरे भोलेनाथ, जहाँ पे हम लोग डेली पूजा करते हैं। सुबह मॉर्निंग में इन्हीं से शुरुआत होती है मेरे घर पे। ये रहा नीम का पेड़, ये भी आम का पेड़ है। ये देखिए, ये पता नहीं क्या चकोतरा बोलते हैं, नींबू के आकार का जैसा होता है, खाने को मीठा लगता है। ये देखिए गाइस, ये मतलब आप ये कह सकते हैं मेरे घर के बाहर सभी प्रकार के पेड़ हैं, पेड़ लगे हुए। और यहाँ से देखिए मेरे घर का व्यू, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लगता है। ये देखिए, ये घर के बाहर लगा है आंवले का पेड़ और वहाँ भी कटहल है। वो कटहल है ना, कटहल कटहल पेड़ है, हाँ वो कटहल है। और ये देखिए सब, और भी हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए ये है मेरी पशुशाला, जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मेरी गैया लोग रहती हैं, गैया भैंसिया सब लोग यहीं रहती हैं, भैंस गाय सबके लिए ये घर बना हुआ है। और ये देखिए मेरे घर का होनहार स्टूडेंट लाइव वीडियो चल रहा है उसके बाद, और ये देखिए गाय का गोबर निकाल रहा है, भैया जी हैं मेरे पढ़ाई करते हुए। ये देखिए लेक्चर चल रहा है, हाँ लेक्चर के साथ साथ गाय का गोबर भी निकाल रहे हैं गौशाला से। मेरे घर में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग हैं, ऐसे काम करते हुए पढ़ाई कर लेते हैं, भगवान इन लोगों को सफल करे। और ये देखिए मेरे घर की भैंसिया है, ये देखिए अब लेके जा रहे हैं, देखिए देखिए गोबर लेके जा रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। अरे देखिए मेरी गैया लोग जी, यहाँ पे गाइस हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो यहाँ इधर कहीं आना कभी होता नहीं है, क्योंकि घर के बाहर रहता है। यहाँ पे बाहर घर के लोग काम करते हैं, लेकिन आज घर पे कोई था नहीं तो हम इधर चले आए। देखिए यहाँ गायों के लिए आहार रखा गया है, उसको भूसा, हमारे यहाँ तो भूसा ही बोला जाता है, आप लोगों के घर क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम। और ये देखिए यहाँ पे बाइक वगैरह रखी गई है, ये देखिए सब मतलब जो भी सामान होता है वगैरह बारिश से बचने के लिए यहीं पे ला के रख दिया जाता है इसे। और ये बालक को देखिए, गोबर निकालने के बाद ये वहाँ धुल रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ाई करने, हो गया है गायों का काम। हाँ
ये देखिए गाइज, यहाँ भी पेड़ है आम के। ये तो बहुत, इसमें आम बहुत लगते थे पर इस साल नहीं लगा इन दोनों। देखिए ये मेरा, ये देखिए मेरा बाबू रो रहा है गोदी लेने के लिए। अब लग रहा है इसको कि हम चल रहे हैं बाहर, गोदी नहीं ले रहे हैं। अभी ले रहे हैं बाबू, रो ना, चलो बाहर मेरे साथ, उंगली पकड़ के चलो, नहीं चलना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी ले रहे हैं। इधर भी पेड़ उड़ लगे हुए हैं, अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, इसमें भी कुछ फल वगैरह नहीं लगता है, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो लगेगा। अभी छोटे हैं जी, खाना बनाने के लिए लकड़ी रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आग उग जलाने के लिए, ये देखिए और भी बहुत कुछ है मेरे यहाँ, हम आपको दिखाते हैं। रुक जाओ, आ जाओ मेरे पास, आओ आओ आ जाओ। और अब हम आ चुके हैं इस लड़की के पास, ये देखिए ये करने जा रही है पढ़ाई। रुक जाओ बाबू, बुआ पास रुको, रुको बुआ पास। ये देखिए हम तैयारी तो ऐसे ही कर रही हैं जैसे पढ़ाई करने जा रही हैं, लेकिन देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि ये लड़की पढ़ती है कि क्या करती है। हाँ हाँ देखो देखो, बुआ पढ़ाई कर रही हैं, कुछ और भी करेंगी, देख लो देख लो, देखो तुम देखो बाबू, दिन के उजाले में भी इनको नहीं दिखता है, लाइट जला के पढ़ती हैं। देखिए गाइस, इनको मेरे घर में अनोखे अनोखे किस्म के लोग रहते हैं। स्टूडेंट की भरमार हो चुकी है, फिर से अपना फ़ोन लेके ये देखिए आ गए हैं यहाँ पे। बेचारा कितना काम करने के बाद बेचारे को फुर्सत नहीं। पानी पिलाओ, वीडियो ठीक।